हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर ट माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फाइव इंग्लिश अरिहंत वर्क बुक का यूनिट फोर का चैप्टर टू माई एल्डर ब्रदर तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए माई एल्डर ब्रदर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ़ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स तो आपको ट्रू के लिए टी का यूज़ करना है और फॉल्स के लिए एफ़ का यूज़ करना है बहुत द ब्रदर्स लिव्ड एट देअर होम फॉल्स एफ लिखेंगे भैया वॉज यंगर टू मुन्ना फॉल्स मुन्ना वॉन्टेड टू गो होम ट्रू भैया वॉज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉल्स मुन्ना लाइक टू फ्लाई काइट्स ट्रू ठीक है इस तरह से इसे बनाना है ठीक है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो इसे आपको पढ़ना है और आपको क्वेश्चन का एंसर देना है द रिज़ल्ट वेयर आउट वंस अगेन एंड इट्स शो हैपेन्ड डैट मुन्ना पास एंड भैया फेल्ड अगैन तो देखिए रिजल्ट जो है ना रिजल्ट आउट हो गया ठीक है फिर से रिज़ल्ट आउट हुआ और इसमें जो है ना मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गया फिर से भैया वॉज रियली अपसेट भैया बहुत ही अपसेट था सच में अपसेट था मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सिंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी और मुन्ना जो है ना अपने भैया को जो अनहैप्पी देख के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विथ मुन्ना भैया जो है ना वो मुन्ना से जेंटलर थे ठीक है मुन्ना बिकेम कैम नॉट ईर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवेंट लेस देन बिफोर तो मुन्ना जो है ना वो बहुत ही कम पढ़ाई करता था बहुत ही नोटी था ठीक है अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि वॉट वॉज द रिज़ल्ट रिज़ल्ट क्या था तो मुन्ना पास्ट एंड भैया फेल्ड ठीक है उसके बाद है कि वाई वॉज मुन्ना सैड मुन्ना सैड क्यों था बिकॉज हिज ब्रदर वॉज अनहैप्पी क्योंकि उसका भाई अनहैप्पी था यानी खुश नहीं था मुन्ना बिकैम नोटियर वाई मुन्ना नोटियर हो गया ठीक है बहुत ही नटखट था क्यों बिकॉज भैया बिकैम जेंटलर विथ मुन्ना क्योंकि भैया जो है मुन्ना से ज़्यादा अच्छे थे जेंटल थे ठीक है पढ़ाई में अच्छे थे इसलिए फाइंड अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज अब इसमें जो है ना अपोजिट वर्ड्स बताना है तो हैप्पी का क्या होगा सैड तो इसमें देखिए पैसेज से लेना है ठीक है तो सैड ऐसे तो सैड होगा लेकिन पैसेज से लिखना है तो हैप्पी का आप अनहैप्पी लिखेंगे ठीक है अनहैप्पी ठीक है आफ्टर का बिफोर मोर का लेस तो इस तरीके से आपको बना लेना है उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विच लैंग्वेज हैज़ द स्टोरी बीन ट्रांसलेटेड तो किस लैंग्वेज में ये स्टोरी जो है ट्रांसलेट किया गया है तो फ्रॉम हिंदी ठीक है हिंदी में वॉट वॉज द टॉपिक ऑन विच भैया वॉज आस्क टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी तो कौन सा टॉपिक था जिसमें कि भैया शॉर्ट स्टोरी जो है लिखना चाहते थे तो ये था पंचुअलिटी ठीक है पंचुअलिटी के बारे में शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन वॉट ऑल गेम्स डिड मुन्ना लाइक टू प्ले क्या सारे गेम मुन्ना को खेलना पसंद था तो मुन्ना लाइक टू प्ले फ़ुटबॉल कबड्डी वॉलीबॉल मार्बल्स गिल्ली डंडा एंड फ्लाई काइट्स तो ये सारे गेम मुन्ना को खेलना पसंद था वाई वाई मुन्ना हैड टीयर्स इन हिज आईज तो मुन्ना के आँख से आंसू क्यों निकले बिकॉज बिकाउज टू नो अबाउट हिज़ फादर्स हार्ड वर्कस क्योंकि वो अपने फादर के हार्डवर्क को देख के हार्डवर्क जानता था कि उनका काम क्या है इसीलिए उसके आंख से आंसू निकल गया ठीक है लॉन्ग एंसर टाइप क्वेश्चन वाई डिड भैया स्कॉल्ड मुन्ना एंड हाउ तो भैया ने मुन्ना को क्यों डांटा और कैसे डांटा ठीक है कैसे तो बिकॉज भैया स्कॉल्ड मुन्ना बिकॉज ही प्ले ऑल द डे लॉन्ग मुन्ना ने इसलिए डांटा क्योंकि वो हमेशा दिन भर खेलता रहता था ठीक है वॉट लेसन डज द चैप्टर टीच यू तो इस लेसन ये जो चैप्टर है ये आपको क्या सिखाता है इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है तो क्या लिखेंगे इट इज़ ए स्टोरी दैट टीच अस टू लिसन टू आवर एल्डर्स तो हमें ये स्टोरी ये सिखाता है कि हमें अपने एल्डर्स की बात भी सुननी चाहिए ठीक है माननी चाहिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मेक सेंटेंसिस फ्राम द फॉलोइंग वर्ड्स इसका आपको सेंटेंस बनाना है जो नीचे दिया गया है एक्सपेरियंस इसका क्या होगा सी गेंड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट जॉब ठीक है अपसेट आई एम अपसेट दैट योर आई एम अपसेट दैट यू डिडेंट कॉल रस ही गॉट नर्वस बिकॉज दे रस्ट हिम उसके बाद है अहमेद सी फैट अहमे फोर हिटिंग हर ब्रदर इस कैरे ही लुक्स इज कैरे बट ही इज रियली ए जेंटल चाइंट ठीक है तो इस तरह से इसका आप सेंटेंस बनाएंगे आप कुछ और भी बना सकते हैं अपने मन से ठीक है उसके बाद है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवेन विलो बाई यूजिंग द प्री फिक्सिस बेस ऑन एम द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू तो इसे आपको जो है ना नीचे जो दिया गया है वर्ड उसका आपको अपोजिट लिखना है और अपोजिट लिखना है इसमें आपको आई एम लगा के या डी आई एस लगा के या यू एन लगा के इससे आपको अपोजिट बनाना है जैसे कि पोलाइट है तो पोलाइट का क्या होगा इम्पोलाइट आई एम पी ओ एल आई टी ई इम्पोर्टेंट अन इम्पोर्टेंट पंक्चुअल अनपंक्चुअल ओबिडियंट डिस के बाद है ऑनर तो डिसऑनर हैप्पी तो अनहैप्पी प्रॉपर इम ठीक है तो इस तरह से बनाएंगे उसके बाद है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स इसे आपको जो है ना मीनिंग के साथ में मैच करना है कॉलम ए कॉलम बी तो इसमें देखिए अहमेद इसका क्या होगा टू फील सेम फुल ठीक है यानी कि शर्मिंदा होना इसका मतलब क्या होगा शर्मिंदा होना स्केरि इस तो इसका हुआ फ्य यानी कि भयानक होना या डरावना ठीक है रस टू हरी यानी कि जल्दबाजी रस मीन्स जल्दबाजी इसके बाद है ब्रीज ए जेंटल विंड यानी कि ठंडी ठंडी हवा प्रीफर यानी लाइक पसंद करना ठीक है तो इस तरह से इसे आप कंप्लीट करेंगे उसके बाद है बिल्ड द लैडर बाय मेकिंग वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एस अब यहाँ पर जो है ना आपको एक लैडर बनाना है जिसका स्टार्टिंग आप एस से करेंगे एस से यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है अब इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे टू वर्ड्स का है जैसे यहाँ पर एस ओ एस से क्या हो जाएगा एस और यहाँ पर हम ओ लगा देंगे तो सो हो जाएगा होगा ठीक है उसके बाद एस यू एन सन एस ओ एम ई सम फोर लेटर्स का हो गया ये टू लेटर्स का ये थ्री लेटर्स का ये फोर लेटर्स का ठीक है इसके बाद है साउंड एस ओ यू एन डी फिर होगा सनसेट उसके बाद सनराइज़ उसके बाद सरप्राइज़ तो देखिए इस तरह से ये बनेगा इसमें आप और कौन कौन सा लेटर इसमें आप ऐड कर सकते हैं यानी कि आप कौन सा न्यू वर्ड्स बना सकते हैं इससे तो आप बनाइए और आपने कौन सा न्यू वर्ड बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ठीक है इसके बाद है कि सपोज़ यू आर मुन्ना एंड यू वांट टू पेन डाउन योर फीलिंग फॉर भैया इन योर डायरी इंट्री सपोज़ मान लीजिए कि आप मुन्ना हैं और आप जो है ना भैया का फीलिंग जो है ना लिखना चाहते हैं डायरी में एंट्री करना चाहते हैं ठीक है ठीके? वॉट विल यू राइट तो आप क्या लिखेंगे एक्सप्रेस योर व्यूज़ इन द स्पेस गिवन वी तो यहाँ पर ना अपने व्यू जो आप लिखना चाहते हैं उसे आप लिखेंगे ठीक है तो आप मान लीजिए कि आप मुन्ना हैं और अपने भैया का जो है ना भावना उनके जो फीलिंग्स हैं उसे डायरी में नोट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे ये आप खुद बनाएंगे, ठीक है तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू तो वॉच माई वीडियो